हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसी बात करने जा रहे हैं, इस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार करीब लाखों बच्चे पिछले कई महीनों से कर रहे थे। ठीक है ना, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जूनियर एडिट के एग्ज़ाम डेट की, कि जूनियर एडिट का एग्ज़ाम कब होना है, साथ ही साथ यूपी टेट का भी एग्ज़ाम कब होना है, ये भी बात हम लोग आज जानेंगे कि जूनियर एडिट और यूपी टेट का एग्ज़ाम का डेट पीएनपी ने किस डेट को डिसाइड किया है। पीएनपी द्वारा डिसाइड किया था ना, तो पीएनपी ने कब इस डेट को डिसाइड किया है, कब इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, आप लोग क्या करिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो इसका स्टडी मटेरियल है जूनियर एडेड और यूपी टेट का, वो सारा का सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करिए। ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ जाइए, आपको शेड्यूल मिलता रहेगा कब क्या आना जाना है। ठीक, आइए चलिए चलते हैं, आज देखते हैं क्या क्या आया है न्यूज़ में। जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि पीएनपी के पास 10 अक्टूबर का डेट का प्रस्ताव भेजा गया था कि जूनियर एडिट का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को करा लिया जाए, और साथ ही साथ टीटी के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया था कि इसका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को करा लिया जाए। 19 दिसंबर को टीटी के लिए और जूनियर एडिट के लिए 10 अक्टूबर को डेट भेजा गया था पीएनपी के पास, तो पीएनपी ने फाइनली डिसाइड करके डेट बता दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है, ठीक, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का होना है, साथ ही साथ 24 अक्टूबर को आपका यूपीपीएससी का होना है, जो कि यूपी का अच्छा खासा एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी जो भी कह लीजिए, इन दोनों का एग्ज़ाम आना है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीएनपी ने बोल दिया कि अक्टूबर के लास्ट में ही इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो 10 और 24 को तो होना नहीं है, तो ये हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को करा लिया जाए। 31 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम का डेट पीएनपी ने शायद ले लिया हो, यही डेट सुनने में आ रहा है। साथ ही साथ टीटी के लिए 19 या उसके जस्ट बाद का कोई डेट उन लोगों ने डिसाइड किया, 19 दिसंबर है ये, 19 दिसंबर या उसके बाद का, 29 दिसंबर सुनने में आ रहा है, अब कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, पेपर में जल्द ही निकलेगा तो पता चल जाएगा। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 11 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना था, 11 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना था, जिसको बदल कर 18 अप्रैल किया गया था, लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव के चलते ये एग्ज़ाम टल गया था। टलने के बाद से आगे कोरोना आ गया, तो कोरोना हो गया तो अभी तक एग्ज़ाम हो नहीं पाया, तो सबको बात ये सारी बातें पता है। जिसका डेट अब अक्टूबर में निकल चुका है, तो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा और टीटी का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। तो जो भी बच्चे जूनियर एडिट का फॉर्म भर रखे हैं, वो लोग तैयारी में लग जाइए। जैसा कि पता है कि 1504 ही पद है, ज़्यादा पद नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि 1504 सीट में एक आपके नाम हो जाए। तैयारी अच्छी रहेगी तभी हो पाएगी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में अभी से जुड़ जाइए और बाकी मेरे चैनल को जोड़ लीजिए ताकि उस पर भी उससे भी आपको कुछ हेल्प मिल सके जल्दी ही जल्दी तैयारी करने में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। वही जूनियर एडिट की बात लिख रखा है, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में होना है, मोस्ट प्रोबेबली 31 अक्टूबर को हो जाए, और यूपी टेट का एग्ज़ाम सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में होना है, ये इन्हीं दोनों डेट में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करिए, सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजा लीजिए और ढेर सारा मटेरियल जो यूपी टेट और जूनियर टेट का मेरे चैनल पर पड़ा उसे देखिए, शायद कुछ आपका फ़ायदा ही हो। ठीक है, बाकी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से और धन्यवाद।